थाने वन विभाग की एक टीम ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें मुंबई के अंधेरी और मलाड से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कुल 26 करोड़ रुपए की वेल उल्टी यानी कि एवर ग्रीस बरामद की गई है। ज्ञात हो कि कुल 26 किलो वजनी वेल मछली की उल्टी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है, क्योंकि इसका इस्तेमाल महंगे परफ्यूम बनाने में किया जाता है। दिनांक 8 जुलाई रोजी आम्हाला एक मिळालेल्या गुप्त बातमीनुसार आम्ही मुंबई परिसरात एक बातमी आम्हाला मिळाली की मुंबई परिसरात व्हेल माशाच्या उलटीचा पदार्थ विकण्यासाठी एक टोळी मुंबई परिसरात येणार आहे असं समजलं। त्यानुसार आम्ही शहापूर डिव्हिजनचे खरेदीचे आरोपी देशमुख साहेब आणि मरोळची क्राईम ब्रांचची टीम युनिट 10 आणि आमचा स्टाफ यांनी आम्ही त्या परिसरात सापळा रचला। त्या दिवशी आम्हाला त्या संबंधित इस्मानने आम्हाला दिवसभर फिरवलं, त्या दिवशी आम्हाला कुठल्याच प्रकारे त्यांनी तो माल आम्हाला हस्तगत करता आला नाही। दुसऱ्या दिवशी त्यांनी परत आमच्या बनावट गिरायकाला त्यांनी 11 त्याच परिसरात बोलावलं। आम्ही परत सकाळी त्या परिसरात जाऊन आम्ही सापळा रचला। दुपारी 4 दरम्यान आम्हाला 4 8 किलो अंबर ग्रीस हेल माशाच्या उलटीचा पदार्थ विकत असताना आम्ही त्यांना रंगेहात पकडलं, त्यांना पुढील चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं। लगेच त्या दुसऱ्या दिवशी 10 आम्ही अंधेरी परिसरात एक कर्नाटक मधून आलेला एक इसम एका लॉजवर अंबर ग्रीस घेऊन विक्रीला येणार होता असं समजलं। त्यानुसार तिथे त्या परिसरात आम्ही त्या दिवशी सापळा रचला। त्या दिवशी आम्ही त्याच्याकडनं 18 किलो अंबर ग्रीस हेल माशाची उलटी आम्ही त्याला विक्री करत असताना पकडलं, त्याला ताब्यात घेतलं। असे एकूण आम्ही 5 आरोपी आणि एकूण 26 किलो अंबर ग्रीस आम्ही ताब्यात घेतलं। बता दें कि वन विभाग को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। वन अधिकारी संतोष कंक ने बताया कि वन विभाग को खुफिया जानकारी मिली थी कि बाजार में अभी भी सैकड़ों किलो एम्बर ग्रीस की तस्करी की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। देखना यह है कि जांच में और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का।